स्वतंत्रता संग्राम से पहले 1943 में बनी है इप्टा, और अभी आज के समय में एक देशव्यापी यात्रा जो निकाली जा रही है ढाई आखर प्रेम का, उसका प्रमुख उद्देश्य ही ये है कि आज़ादी जिन सपनों को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन सपनों के अनुसार क्या भारत बना और क्या आज का भारत उन सपनों को साकार करने में सक्षम है। ये इतना बड़ा सवाल है कि जिस सवाल को लेकर आज हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हम जाएं और बातचीत करें। बातचीत के दो तरीके हैं, एक तो है सीधे तौर पर हम राजनैतिक चर्चा शुरू करें, और दूसरा है कि हम अपने कला साहित्य और हमारी विरासत जो है उसकी पड़ताल करें, उसको खोजें और उन सूत्रों को आज फिर से समाज में स्थापित करें जिन सूत्रों ने हमारे न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन को एक अहिंसात्मक रास्ते पर ले जाने की, एक सामूहिक आंदोलन में बदलने की, और ऐसे औजारों के उपयोग के लिए प्रेरित किया था जो राजनैतिक औजार नहीं थे। गांधी जी ने उपवास का सहारा लिया, सत्याग्रह का सहारा लिया, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हर छोटे से बड़े शहर में आप जाएंगे तो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज आपको मिलेंगे, उनके परिवार के लोग आपको मिलेंगे। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद यदि उस सपने को, जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे के समाज की स्थापना करने की बात जो हुई थी, उसको आज एक धर्म, एक जाति, एक रंग, एक भाषा में बदलने की जो साजिश हो रही है, उस साजिश के खिलाफ सांस्कृतिक हस्तक्षेप के रूप में ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा का केवल और केवल उद्देश्य है कि हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर उस व्यक्ति से जाकर बात करें जो 1980 के बाद पैदा हुई पीढ़ी है, जिन्होंने उस आज़ादी के आंदोलन के संघर्ष के ताप को उतनी शिद्दत से महसूस नहीं किया है, जिन्होंने भारत के आज़ाद होने के बाद के पहले चार दशक में विकास की यात्रा कितनी कठिनाइयों से हुई है, उसको आज वो महसूस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब उसके घर में टीवी था, जब वो जवान हुआ तो उसके हाथ में मोबाइल था, तो उसने विज्ञान को केवल टेक्नोलॉजी के एक डेवलपमेंट के रूप में देखा है। विज्ञान के सही स्वरूप, सही भावना को जानने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। ढाई आखर प्रेम की यात्रा का संदेश ही है कि हम सब आपस में प्रेम करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसकी खुद की अपनी वैज्ञानिक दृष्टि हो और वो सारे ऐसी चीज़ों को लेकर इस समाज में लड़ाई लड़ सके जिससे कि अंधविश्वास और जो हमारे बहुलता में एकता की जो भावना है उसको चोट पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है।